कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के मैनिफेस्टो को जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को उन्नति विधान नाम दिया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि सूबे में सरकार बनने के बाद किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और ये कार्य 10 दिन के अंदर होगा। श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कई चरणों में किया जाएगा, सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो ये हमारे इस उन्नति विधान में है कि हम आउटसोर्सिंग बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आस्ते आस्ते एक एक करके कुछ चरणों में जितने भी आउटसोर्स्ड हैं और अभी संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण हो। नियमितीकरण से उनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक बन जाएगा और अन्य सुविधाएं अन्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। रसोईया का जो मानदेय है उसको हम 5,000 रुपये तक प्रतिमाह बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक भूमि अधिकार दिया जाएगा, झुग्गी वाली ज़मीन आपके नाम की जाएगी और मध्यम वर्ग को किफ़ायती आवास के लिए भूमि को और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। शामली की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। शामली में कल पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स PSC पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। साथ ही हरियाणा प्रदेश और जिले के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। वहीं इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि COVID-19 का पालन किया जा रहा है। कर्मचारियों को किट बनाकर दी गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर प्रत्येक वोटर की स्क्रीनिंग करके ही उसे मतदान केंद्र के अंदर आने दिया जाएगा। देखिए, चुनाव को लेकर काफ़ी व्यापक और पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं और काफ़ी डिप्लॉयमेंट हमारा जो या तो पैरामिलिट्री का हो या सिविल फोर्सेज का हो या ऑक्सिलरी फोर्सेज का हो, सारे इन प्लेस हैं। हम लोगों ने जो भी संवेदनशील जो स्थान चुने थे उन सबों पे बहुत ही प्रिवेंटिव अच्छी कार्रवाइयाँ कराई गई हैं। एरिया डोमिनेशन बहुत इफेक्टिव तरीके से कराया गया, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर नज़र रखी गई है और नज़र लगातार रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार से कोई किसी को इंटिमिडेट ना कर सके और अपने मतदान का प्रयोग हर व्यक्ति बहुत ही आराम से कर सके। कल फेज 1 का शामली जनपद में इलेक्शन है 10 तारीख में और आज पोलिंग पार्टीज की रवानगी हम लोग मंडी से करा रहे हैं। 3 विधानसभा हैं हमारी, तीनों की पोलिंग पार्टी यहीं से रवाना हो रही है। इस समय ड्यूटीज बटनी है और उनको सामग्री दी जा रही है। शाम तक ही अपने अपने पोलिंग सेंटर पे पहुंच जाएंगे। हमारे 1067 पोलिंग बूथ हैं जहाँ पे कल मतदान होना है और वहाँ पे अच्छे तरीके से मतदान हमारा हो जाए ये फैसिलिटेट करने के लिए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं जो पूरे एरिया में फील्ड में घूमते रहेंगे। प्रतापगढ़ में विश्वनाथगंज विधानसभा से संजय पांडे का टिकट कटने पर नाराज उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी का झंडा फूंक दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा से मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी धीरज ओझा पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। उनको दोबारा टिकट दिया गया है। इस बार क्या रहेगा उनको चुनावी मुद्दा, उनसे बात की हमारे सहयोगी सत्येंद्र कुमार शर्मा ने, सुनी। धन्यवाद। ये पूछना चाहते हैं तो अच्छा कि तमाम अटकलों के बाद आपको दूसरी बार भाजपा ने टिकट दिया है, तो ये तो है कि कहीं न कहीं से आप मजबूत प्रत्याशी के रूप में हैं, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व हमारे ऊपर फिर से भरोसा किया। 2017 में विधायक बना था, रानीगंज विधानसभा में मैंने 1100 विकास किए, वहाँ पर सुशासन रहा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि आज गुंडे जो है, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे जो है मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे हो, आज वो जेल के सलाखों में है। आज उनके ऊपर बुलडोजर चला। वैसे रानीगंज में भी जो अपराधी थे उनके खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई हुई और निश्चित है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माँ वराही देवी मेरी कुल देवी शक्तिपीठ,
दादूपुर का स्टेशन माँ बराही धाम बना। ये रानीगंज के लिए नहीं ऐतिहासिक है, ये पूरे हिंदुस्तान में आज माँ बराही देवी की चर्चा होने लगी। अब यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए विकास के काम के लिए मैं सुख दुख में सबको मिलता था, हर के लिए खड़ा रहता था, गरीबों के लिए खड़ा रहता था। इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, हमारे ऊपर भरोसा किया है। और फिर से मैं धीरज भैया, धीरज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद मुख्यमंत्री युवा हृदय सम्राट धीरज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद सम्राट धीरज भैया। आप बहुत ही जुझारू और युवाकर्ताओं के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या आपकी सक्रियता इसी प्रकार से इस बार भी रहेगी? निश्चित ऐसी रहेगी, जिसका स्वभाव जो होता है वो जल्दी नहीं करता। और युवा मोर्चा विद्यार्थी परिषद मैंने काम किया है, मेरा स्वभाव मैं अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने रानीगंज की देवतुल जनता के लिए जो भी मुझको करना पड़ेगा उसमें मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर प्रशासन से भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान, अपने रानीगंज की जनता का मान सम्मान मैं कभी नहीं जाने दूंगा। मैं विधायक उनके दम धीरज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे ही करेंगे, चाहे उस हलोमी जो भी गुस्सा हो, चाहे जो हो, लेकिन उनके लिए।